आम आदमी पार्टी के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के घर इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है। उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद गिरफ्तारी उनकी किसी भी वक्त की जा सकती है। उनके घर इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है सोमनाथ भारती ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। सोमनाथ भारती की कभी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। उन पर आरोप लगा है पत्नी पर मारपीट का और हत्या की कोशिश का। ये उनका कार्यालय है नील 26। यहाँ पर सोमनाथ भारती है नहीं, इस तरह की जानकारी मिली है। मेरे लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पहुंच गए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने उनको तब तक गिरफ्तार नहीं किया था जब तक अदालत का आदेश नहीं आया था। अदालत का आदेश आ गया है और ऐसे में जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया, अब उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम तमाम जगहों पर उनके जो फोन नंबर है वो ट्रेस कर रही है। इसके अलावा उनकी लोकेशन जानने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर टीम भी आ गई है और लगातार ये कोशिश कर रही है कि सोमनाथ भारती से उनका संपर्क हो सके। बहरहाल सोमनाथ भारती जो भी तक जानकारी मिल पाई है, उनका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ जा रहा है और यहाँ पर सोमनाथ भारती अभी मौजूद नहीं है। पुलिस की कई टीमें जो है उनको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अब बेल रिजेक्ट कर दिया, ऐसे में जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। और अब देखना यही होगा कि क्या सोमनाथ भारती सरेंडर करते हैं या फिर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख भी अख्तियार करते हैं, क्योंकि एक लीगल ऑप्शन उनके पास बचा हुआ है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब उन्हें किसी तरह का कोई अड़चन नहीं है, कोई कानूनी आदेश नहीं है और अब वो कानून को मानने के लिए बिल्कुल बाध्य है और निश्चित रूप से अब जहां भी सोमनाथ भारती उनको मिलेंगे वो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। कैमरन वाहिद के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक।